दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा यानी कि एक इम्पोर्टेंट इशू आपके सामने लेके आया हूँ। कॉम्पिटिशन दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनकी तैयारी। और अगर आपको IIT JEE, AIEEE, PMT इस तरह के किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो तीन बातें हमेशा याद रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ये जो आपसे बातें कर रहा हूँ अपने 10 साल के तजुर्बे के ऊपर बेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल IIT JEE इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे बच्चों के साथ रहकर अपना समय बिताया है, उनके पेरेंट्स से मिलके उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है, उनकी काउंसलिंग्स करी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको तीन टिप्स देना चाहूँगा। तीन टिप्स को फॉलो कीजिए, IIT JEE का कोई भी एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होगा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये मूलभूत टिप्स हैं। तो दोस्तों, नंबर वन, करना क्या है? आपको घर के उत्तर पश्चिम कॉर्नर यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर बैठकर अपनी प्रिपरेशन करनी है जितना हो सके, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑस्पिशियस कॉर्नर माना जाता है। और वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है, और इंजीनियर्स के लिए क्रिएटिव होना भी मस्ट है दोस्तों। नंबर दो, आपको करना क्या है? आपको अपने सिलेबस को ब्रेक करना है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस अक्सर बड़ा होता है IIT JEE का और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए दोस्तों, ये मेरी पहली एडवाइस है। उसको छोटे छोटे 2 महीने 3 महीने इस तरह के टारगेट्स पे ले आइए, अगर या वीकली टारगेट्स पे ले आइए, ऐसे लाकर उन टॉपिक्स को ख़त्म कीजिए, किल कीजिए, तब आप पाएंगे कि सिलेबस जल्दी जल्दी आपका ख़त्म होता जा रहा है। टॉपिक को जो है वीकली, मंथली या क्वार्टरली किसी भी बेसिस पे सिलेबस को बांटिए, और फिर देखिए कि आपका इतना बड़ा सिलेबस जो है वो इतना सा हो जाता है और कैसे वो वाइंड अप होता जाता है। नंबर तीन दोस्तों, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। आपको करना क्या है? आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अपनी किसी भी फैकल्टी से डरना नहीं है और अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि कम्युनिकेशन गैप नाम की एक चीज़ होती है, कम्युनिकेशन गैप जो है कभी नहीं लेके आना दोस्तों। कम्युनिकेशन गैप आते ही अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। आपको डिटर्मिन होकर अपनी फैकल्टी के पीछे पड़े रहना है। ये तीन काम कीजिए, सक्सेस श्योर मिलेगी और आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, अच्छी टिप्स देता रहूँगा आपको। जुड़े रहिए डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।